नमस्कार दोस्तों, द हिंद एम्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपको एक ऐसे ही महान संत कबीर पंथी संतों से मिलवाने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम मेरा सब नाम महंत डीघराम दास। कौन सी जगह से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से बता रहा हूँ। मैं फरीदाबाद से अपने आश्रम जो कबीर मंदिर आश्रम है, अच्छा, ऊंचा गांव में, वहाँ से। आप मूर्ति पूजा को निषेध मानते हैं? मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए अगर ना, ऐसा क्या कहा है? ऐसा नहीं, मूर्ति पूजा का निषेध तो नहीं किया है, जड़ पूजा का जरूर निषेध किया है। उसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मूर्ति पूजा तो देखिए, गुरु की मूर्ति, कबीर साहब ने कहा एक भजन के माध्यम से कि जाऊं गुरु मूर्त की बलिहारी। तो मूर्ति तो अब कोई ना कोई स्वरूप तो लेना पड़ता है। तो सतगुरु कबीर साहब यहाँ संसार में जो है ना, शब्द स्वरूपी देह लेकर के उतरे, वो पांच तत्व की देह को लेकर के नहीं उतरे। तो वो भी तो स्वरूप था उनका एक, तो उन्हीं स्वरूप को जाना हमारे यहाँ इन भक्तों ने। और सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ करके ना ज्ञान दिया, इस जीव को चेताने के लिए आए, क्योंकि साहब खुद कह रहे हैं कि जीव पड़ो है काल के हाथा, नाच नचावे राखे हाथा साथा। जीव जो है वो काल के हाथ पड़ चुका है। सतगुरु कबीर साहब का उद्देश्य ही सिर्फ यही था कि ये जीव किसी तरह से भी काल के जाल से छूट करके ना, और अपने परमधाम को, अपने मुकाम को, अपने सतलोक को पहुँच जाए। वो सतगुरु कबीर साहब चारों युगों में यहाँ पधारे, सतयुग में सत सुकृत हो आए, त्रेता मुनिंदर नाम धराए, और द्वापर में करुणा में कहाए, कलयुग नाम कबीर रखाए। सतगुरु कबीर साहब जीवों को चेताने के लिए यहाँ चारों युगों में निरंतर आते रहे। उद्देश्य उनका सिर्फ यही था कि जीव किसी तरह से काल के चंगुल से छूट करके अपने परमधाम, अपने सतलोक को पहुँच जाए। और वो कैसे चेताया यहाँ जीवों को, वो अपने साथ क्या लाए? सत्य शब्द, वो सत्यनाम, वो सत्य की छाप। कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मंझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृत के कंडिहारा हो, जीव दुखी देखा भवसागर ता कारण पगधारा हो, वंश 42 थाना रोपा जम्बूदीप मंझारा हो। कि हम अमर लोक से चल के आए, सत्यलोक कहो अमर लोक कहो एक ही बात है। क्यों आए हम यहाँ? जीवों को दुखी देखा इस संसार में, भवसागर में आकर के ना, और अपने साथ क्या लाए? सत्य की छाप, वो सत्य का संदेश, वो सत्यनाम, वो सत्य शब्द, जिसको पाकर के जीव जो है ना काल के जाल से छूट करके ना, और मुक्त होकर के अपने परमधाम को पहुँच जाता है। मैं कबीर बिचलू नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोग पठाइयाँ जो चढ़े शब्द के रथ। जो मेरे शब्द रूपी जहाज पर बैठ जाता है, मैं उसे इस भवसागर से पार कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ कबीर साहब ने जीवों को चेताया। और जैसे हमारे ये पहले साहब बता करके गए हैं, उन्होंने यहाँ आकर के ना सत्यनाम की यानी दीक्षा, नामदान की दीक्षा, और ना पहले हमारे यहाँ क्या है, पांच संस्कार होते हैं, नारियल अर्पण करना, उसे सतगुरु कबीर साहब ने उस काल निरंजन से ये वचन भरवा लिया था कि मैं जीव के बदले नारियल दूंगा। अच्छा, जीव के बदले नारियल दूंगा, नारियल भेंट करूंगा। इस नारियल के भेद को जो है ना, अब यूँ तो देवियों के मंदिरों पर भी नारियल अर्पण करते हैं, भेंट करते हैं, लेकिन उसका भेद कोई जानते नहीं है। सिर्फ कबीर साहब ने इस भेद को जाना, जीव के बदले नारियल दीना, जीव छुड़ाए काल से लीना, सत्य कबीर पार कर दीना। तो सतगुरु कबीर साहब ने जीव को पार लगाया। जिस प्रकार से नारियल के अंदर देखिए तीन भाग होते हैं, तो इसी प्रकार से इस देह के अंदर क्या है, जीव ब्रह्म और माया, ये पांच तत्व का शरीर जो है ना हमारा, जीव ब्रह्म और माया इसमें समावेश है। उसी तरह से नारियल के अंदर भी तीन भाग होते हैं, जीव ब्रह्म और माया। माया ये शरीर होता है, जीव इसमें निवास कर रहा है, ब्रह्म अर्थात साहेब भी इसमें निवास करते हैं। तो ये भेद सतगुरु कबीर यानी उसको नाम, पहले नारियल अर्पण करना, फिर नामदान की दीक्षा देना,
तिनका तुड़ाना, कंठी धारण करना और ये पान परवाना देना, ये पांच संस्कार जो है ना इसमें चौका में ही बताए जाते हैं, चौका में ही दिए जाते हैं। और सतगुरु ही इसका नाम का भेद बताते हैं, वो नाम का भेद देते हैं कि ये नाम है और इस तरह से इसका जाप करना है, सुमरण करना है। सुमरत ही सतनाम के कोट विघन टल जाए, औरों की तो क्या कहें काल रहे सिर नाए। नाम लिया जिन सब लिया षठ शास्त्र का भेद, जिसने नाम को जान गया उसने षठ शास्त्र यानी छहों शास्त्रों के भेद को जान लिया। और नाम बिना नर के गए पढ़ पढ़ चारों वेद, जो जिन्होंने नाम को नहीं जाना, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जितने भी ग्रंथ है खूब पढ़े, लेकिन फिर भी नाम के बिना वो नरक में ही चले जाएंगे, वो पार नहीं हो सकते। नाम की ऐसी महिमा है। कोट नाम संसार में जिनसे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला को, लेने के लिए तो उस मालिक परमात्मा के, उस भगवान कहो, सत्य पुरुष कहो, करोड़ों हजारों नाम है उसके, लेकिन जो आदि नाम है, जो गुप्त है, जिसको सतगुरु कबीर साहब लेके आए, वो नाम गुप्त है, किसी ग्रंथ के अंदर नहीं मिलेगा, गुरु के द्वारा इसका भेद जाना जाता है और गुरु ही इसका भेद देते हैं। तो वो नाम की महिमा है। तो उसी नाम को लेकर के आए, जीव दुखी देखा भवसागर ताकारण पगधारा हो, वंश 42 थाना रोपा जम्बू दीप मझारा हो। सतगुरु कबीर साहब यहाँ 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, जीवों को चेताया, उनके लाखों शिष्य हो गए। जब वो यहाँ उन्होंने भ्रमण किया 120 वर्ष की उम्र में, लाखों शिष्य हो गए थे उनके, लेकिन उनमें प्रमुख चार शिष्य ही थे, धर्मदास साहेब और जागू साहेब और श्री गोपाल और भगवान दास। लेकिन उनमें जो निपुणता, जो योग्यता धर्मदास साहेब के अंदर देखी, वो उन तीनों में नहीं पाई, इसलिए धर्मदास साहेब को वंश 42 का आशीर्वाद दे दिया कि भाई धर्मदास जी, हम भी यहाँ से चले जाएंगे मृतलोक में, क्योंकि ये तो मृतलोक है, ये तो काल का देश है, इस यहाँ रह करके करना क्या है। सतलोक है वो आनंदमय का देश है, ना वहाँ दिन है, ना रात है, ना भूख है, ना प्यास है, ना चिंता है, ना शौक है, ना भय है, ना दुख है, ना सुख है। तो ऐसे आनंदमय देश को वहाँ वहीं चलेंगे। तो लेकिन यहाँ भविष्य में जीवों का उद्धार होता रहे, तो उनको वो 42 वंश का आशीर्वाद दिया। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि वंश 42 हम सही, यानी मेरे अंश तुम्हारे घर में वंश रूप में प्रकट होते रहेंगे और जीवों का उद्धार करते रहेंगे। तो वंश 42 हम सही, वंश रूप हमार, और या मैं दो कर्मानिये पड़े 84 धार। मेरे में और वंश में जो दुर्मत समझे गया, यानी धर्मदास जी वंश 42 जो है ना वो मेरे ही रूप होंगे, इनमें दो ही कर मानेगा तो वो भवसागर से पार नहीं हो सकता। वंश से दुर्मत करे जपे जो नाम कबीर, और 84 में जाएंगे कभी ना लागे तीर। जो वंश से दुर्मत करेगा और मेरे नाम का सुमरण करेगा, वो भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए जितनी भी ये गद्दियाँ चल रही हैं सब धर्मदास जी के विरुद्ध चल रही हैं, तो वो पार थोड़ी होंगे। पार तो वो होगा जो हमारे वंश 42, जैसे आज हमारे ये गुरु गोसाई भानु प्रताप साहब यहाँ आ रहे हैं चौका करने, उस महंत साहब का, अपने करकमलों से वो उनका चौका आरती करेंगे और जीवों को जो है ना पान परवाना देंगे, जिसके लिए यहाँ ये सभी जीव जो है ना आज इस अंश में लगे हुए हैं उम्मीद में। सिर्फ वो पान परवाने की उसमें, क्योंकि वो बताया है, जैसे साहब ने बताया था कि वो एक किस्म का, एक प्रकार का टिकट है, जैसे हवाई जहाज का, रेल का, बस का टिकट लेकर के हम यात्रा करते हैं, निसंकोच होकर के यात्रा करते हैं, और बिना टिकट तो उसको भय बना रहता है कि पता नहीं टीटी कब आए और कब पकड़ लेगा हमें, जुर्माना भी होगा और जेल भी होगी। तो टीटी जो है ना वो काल निरंजन है, वो छोड़ेगा नहीं जीव को, बेइज्जती भी होगी, लेकिन सतगुरु के नाम के सामने वो भी हाथ जोड़ करके ना और नमन करता है कि साहब ये आपके जीव, आपके भक्त, आप ले जाओ इनको, आपके लिए दरवाजा खुला है, रास्ता साफ है, खुला है। तो इस तरह से सतगुरु कबीर साहब यहाँ आए जीवों को चेताने के लिए। और ये अपने जो भानु प्रताप साहब हैं, हमारे 15वें वंश गुरु पंसरी हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के छोटे भाई गुरु गोसाई, वही हैं ये, वो भी धर्म, ये भी धर्मदास जी के वंशज ही एक ही हैं सब ये। तो इस तरह से यहाँ सतगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ। उद्देश्य सिर्फ उनका ये रहा है
क्योंकि वो दयालु थे, जीवों की पुकार सुनी, जीव को चेताना, जीव को चेताने के लिए वो इस संसार में दौड़े चले आए। दोस्तों मैं चाहूँगा कि महंत जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और आप जो भी इस वीडियो को हम आप तक पहुँचा रहे हैं, अगर जो इनके विचार अच्छे लगे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। सभी को साहेब बंदी।